नमस्कार दोस्तों, आज हम बीपीएससी मॉक टेस्ट पार्ट 3 करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज ऑफ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो था वो किनका था। तो ऑप्शंस आपके इस प्रकार से हैं दोस्तों, पहला है एओयू, दूसरा है आपका दादा भाई नौरोजी, तीसरा है आपका जीके गोखले, चौथा है आपका महात्मा गांधी, पांचवा है आपका नानद अबव और मोर देन वन अबव। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किनका था बताइए जल्दी। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किनका था, दादा भाई नौरोजी का था, दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों कुछ और हम एसोसिएशन एंड सोसाइटी की बात कर लेते हैं जो जो जिनका था। तो पहला है दोस्तों ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, किनका था, विलियम एडम्स का था। कहाँ पे खोला गया था ये, लंदन में खोला गया था। सिमिलरली एक ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है वो कहाँ पे था, यू नो देवेंद्रनाथ टैगोर का था, और कहाँ पे खोला गया था, कलकत्ता में खोला गया था। सिमिलरली एक बॉम्बे एसोसिएशन था, किनका था, जगन्नाथ शंकर का था। कहाँ पे खोला गया था, बॉम्बे में खोला गया था। सिमिलरली दोस्तों एक और था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, किसका था, दादा भाई नौरोजी का। कहाँ पे, लंदन में खोला गया था, दादा भाई नौरोजी का था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। एंड खोला कहाँ पे गया था दोस्तों, लंदन में खोला गया था। देन सिमिलरली दोस्तों और बातें करें तो कुछ और चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो भी चेक करते, जैसे कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था वो एस एन बनर्जी का था। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस किसका था दोस्तों, एस एन बनर्जी का था। कहाँ पे खोला गया था, ये कलकत्ता में खोला गया था। सिमिलरली बॉम्बे प्रेसिडेंसी किसका था दोस्तों, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था, फिरोज शाह मेहता एंड तिलांग का था। ये कहाँ पे खोला गया था, बॉम्बे में खोला गया था। सिमिलरली दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन थे दोस्तों, एओ ह्यूम थे। कहाँ पे खोला गया था, ये बॉम्बे में खोला गया था। सिमिलरली दोस्तों और बात कर लेते हैं, जस्ट लाइक यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन किसका था दोस्तों, सर सैयद अहमद खान का था। कहाँ पे खोला गया था दोस्तों, अलीगढ़ में खोला गया था। सिमिलरली दोस्तों सर्वेंट इंडिया सोसाइटी जब आया तो जीके गोखले का था, गोपाल कृष्ण गोखले का था दोस्तों। कहाँ पे खोला गया था, बॉम्बे में खोला गया था। सिमिलरली दोस्तों होम रूल लीग दो के थे, किन किन के थे, एक एनी बेसेंट एंड तिलक के थे। कहाँ पे खोला गया था, पुणे में, और जो एनी बेसेंट का था होल इंडिया में था, लेकिन तिलक का चार इलाके में ही था। ओके दोस्तों आगे चेक करते हैं, यूपी किसान सभा किसका था दोस्तों, मालवीय का था, गौरी शंकर का था एंड इंद्र नारायण का था। कहाँ पे खोला गया था दोस्तों, लखनऊ में खोला गया था। सिमिलरली दोस्तों एक और याद रखना आपको, अगर आज खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार दोस्तों किसका था, खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान। कहाँ पे खोला गया था दोस्तों, पेशावर में खोला गया था। सिमिलरली एक चीज और याद रखना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जब आ जाए आप दोस्तों, तो आपको याद रखना कौन खोला गया था, आचार्य नारायण देव इसके प्रेसिडेंट थे एंड जयप्रकाश नारायण इसके सेक्रेटरी थे दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में जब आए तो स्वामी सहजानंद इसके प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद। ओके दोस्तों एंड फाउंडर भी उन्हीं को ही माना जाता है। कहाँ पे खोला गया था, लखनऊ में खोला गया था। सिमिलरली दोस्तों जब फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में कंसेप्ट आया तो किसका था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का था। कहाँ पे, कोलकाता में खोला गया था। सिमिलरली दोस्तों अगर इंडियन बोल्शेविक पार्टी के बारे में है तो एनडी मजूमदार, एनडी मजूमदार थे दोस्तों। कहाँ पे, कलकत्ता में ही। सिमिलरली अगर दोस्तों आज रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी आज तो एमएन रॉय के था, एमएन रॉय के था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। कहाँ पे, कलकत्ता में। सिमिलरली दोस्तों चेक करते हैं इंडियन बोल्शेविक लेनिन पार्टी अगर आ जाता है, इंडियन बोल्शेविक लेनिन पार्टी तो दोस्तों किसका था, अजीत राय का, और कहाँ पे था, कलकत्ता में था। सिमिलरली दोस्तों अगर रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आ जाए तो सत्येंद्रनाथ टैगोर का था। कहाँ पे, कलकत्ता में था दोस्तों। दोस्तों आगे चेक करते हैं कुछ पीजेंट मूवमेंट है उसके बारे में आप जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। जस्ट लाइक एक पीजेंट मूवमेंट था रंगपुर था, ये रंगपुर कहाँ पे था, इनके लीडर जो बेसिकली थे वो आपको याद रखने कौन थे, धीरज नारायण थे। ओके दोस्तों तो याद रखना रंगपुर एक पीजेंट मूवमेंट भी था, कब सबसे पहले 1783 में। देन फिर दोस्तों पीजेंट मूवमेंट दूसरा नाम आता है मोपला का, कहाँ पे था, मालाबार कोस्ट के पास था, केरला के तट के आसपास था। ओके दोस्तों सिमिलरली लीडर इसके कोई बता नहीं है। देन फिर इसके कोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेक करते दोस्तों, लैंड रेवेन्यू बेस्ड ऑन द जनानी सिस्टम, जनामी सिस्टम्स वाज यू नो रिसेंटेड एंड मिलिट्री कोऑपरेशन, यहाँ पे जो मिलिट्री ऑपरेशन उसके खिलाफ एंड देन फिर जो एक जनामी सिस्टम था उसके खिलाफ मोपला रिवेलियन हुआ था। सिमिलरली दोस्तों एक इंडिगो रिवेलियन पहले हुआ था 1859 में बंगाल रीजन में, इसके जो लीडर जुड़े हुए थे दोस्तों वो याद रखना, पहले जो इंडिगो रिवोल्ट होता है उसमें जो लीडर थे दोस्तों वो कौन थे, दिगंबर बिश्वास एंड विष्णु बिश्वास, दिगंबर बिश्वास एंड विष्णु बिश्वास। ओके दोस्तों एंड देन फिर ये पीसफुल प्रोटेस्ट था वो भी याद रखिए दोस्तों, ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, किस लिए था, बैन ऑन इंडिगो के लिए, बैन ऑन इंडिगो प्लांटेशन इन 1860। ओके दोस्तों सिमिलरली पबना रिवोल्यूशन आपको याद रखना है ये कहाँ पे था, बंगाल में था दोस्तों। इसके अगर कोई लीडर पूछे तो इसका लीडर कौन था दोस्तों, इसको कहते ईशन चंद्र राय, ईशन चंद्र राय शंभूपाल थे दोस्तों। और किस लिए था दोस्तों, लीगल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रेवेन्यू एनहांसमेंट, रेवेन्यू एनहांसमेंट के लिए लीगल प्रोटेस्ट कर रहे थे दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों अगर ऐसे आ जाए कोई और, जैसे कि और जो इम्पोर्टेंट है जैसे चंपारण है, चंपारण 1917 हुआ था, तो चंपारण बिहार में, इसके लीडर कौन थे दोस्तों, महात्मा गांधी।
क्यों हुआ था दोस्तों? सक्सेसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द तीन कठिया सिस्टम के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों खेड़ा के बारे में जब आ जाए तो खेड़ा कहां में था दोस्तों? गुजरात में। कौन लीडर थे? महात्मा गांधी। किसके लिए था? अगेंस्ट था, अगेंस्ट द रेवेन्यू कलेक्शन आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स। जो क्रॉप्स डिस्ट्रक्शन हो गए थे उसके बावजूद भी वो लोग जो पैसे ले रहे थे, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, तो उसके अगेंस्ट में था दोस्तों। सिमिलरली अवध कौन सा था? 1919 हुआ था दोस्तों। यहाँ पे इसके जो लीडर यू नो कहाँ पे था? तो रायबरेली में। एंड देन इसके जो लीडर अगर जाना जाता तो वो है जिंगूरी सिंह एंड बाबा रामचंद्र। और कैसे हुआ था? तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इलीगल रेंट एंड लैंड डिस्पोजल एक्ट, सोशल बाइकॉट ऑफ द यू नो जागीरदार। वो सोशली बाइकॉट जागीरदार से करना चाह रहे थे। एंड एट द सेम टाइम वो प्रोटेस्ट करते किस लिए? इलीगल रेंट के लिए। ओके दोस्तों, सिमिलरली एक एका मूवमेंट भी आता है 1920 के आसपास, तो ये भी याद रखना कि कहाँ पे हुआ था। ये हरदोई, सीतापुर, जानफी, बरबान के इनके रीजन में था दोस्तों। जानफी इनके जो लीडर थे मदारी पसी थे। ओके, पार्टीज ऑफ द स्मॉल जमींदार्स एंड कस्ट। ओके दोस्तों, आगे चेक करते हैं दोस्तों। ये कुछ चीजें हैं जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम आज नहीं करेंगे, किसी और रोज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कर लेंगे पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का, तो दोस्तों आज ये रहने देते हैं। ओके दोस्तों, तो बस एक चीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक चीज याद रख लेते हैं। 2017 में 30 जून 2017 को जीएसटी लॉन्च हुआ था, तो ये दोस्तों याद रखिएगा। ओके, और सिमिलरली दोस्तों कुछ रेवोल्यूशनरी नोटेबल रेवोल्यूशनरी के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो उसमें से पहला था खुदीराम बोस। कौन से केसेस से रिलेटेड थे वो आपको वो जानना है। बर्थ एंड डेथ इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट आपको ये चीज याद रखना है कि किस चीज के लिए वो यू नो किस एक्टिविटी के लिए ज्यादा फेमस थे। तो याद रखिए दोस्तों, खुदीराम बोस वाज मोर फेमस फॉर द मुजफ्फरपुर किलिंग। मुजफ्फरपुर किलिंग के लिए वो ज्यादा फेमस थे। सिमिलरली दोस्तों, मदन लाल ढींगरा किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे दोस्तों? किल्ड द सर कर्जन बिली, कर्जन बिली को मारने के लिए वो ज्यादा फेमस थे। सिमिलरली दोस्तों, एक थे कन्हाई लाल दत्ता, वो किसके लिए फेमस थे दोस्तों? असैसिनेशन ऑफ द ब्रिटिश अप्रूवल को यू नो मारने के लिए ज्यादा वो फेमस थे। सिमिलरली सत्येंद्रनाथ बोसु थे, वो किस लिए फेमस थे? असैसिनेशन ऑफ द ब्रिटिश अप्रूवल, वो भी ब्रिटिश अप्रूवल को मारने के लिए फेमस थे दोस्तों। वो किसको मारे थे एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बता दीजिए कि वो किस बेसिकली उनका नाम क्या था जिनको उन्होंने ये मारा था। सिमिलरली दोस्तों याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद राम प्रसाद बिस्मिल, ये दोनों किस में थे दोस्तों? ये किससे जुड़े थे? काकोरी कॉन्स्पिरेसी से जुड़े थे। काकोरी कॉन्स्पिरेसी में कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ आपका। तो अभी याद रखना, चंद्रशेखर आजाद ने राम प्रसाद बिस्मिल। ओके दोस्तों, डेथ ऑन बॉर्न एंड डेथ इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। ओके दोस्तों, आगे चेक करते हैं। भगत सिंह किससे जुड़े हुए थे दोस्तों? सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केसेस से। तो सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केसेस से कौन जुड़े हुए थे? भगत सिंह जुड़े हुए थे दोस्तों। सिमिलरली आगे चेक करते हैं, उधम सिंह किससे जुड़े हुए थे दोस्तों? तो शूटिंग इन कैक्सटॉल हॉल, कैक्सटॉल हॉल में शूट करने के लिए गोली चलाने के लिए उधम सिंह फेमस थे दोस्तों। और सिमिलरली और दोस्तों जो थे अशफाकुल्लाह खान किस लिए फेमस थे दोस्तों? काकोरी कॉन्स्पिरेसी में फेमस थे दोस्तों। सिमिलरली सचिंद्रनाथ बक्सी, वो भी काकोरी कॉन्स्पिरेसी में दोस्तों। और दोस्तों चेक करते हैं, काकोरी में कौन थे? एक थे और भी थे, ये नाथ गुप्ता जी थे, वो भी काकोरी कॉन्स्पिरेसी में फेमस थे दोस्तों, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आगे चेक करते हैं दोस्तों, आगे है दोस्तों एक बाघा जतीन थे। बाघा जतीन भी याद रखना दोस्तों, किससे जुड़े हुए थे? तो दहावरा शिवपुर कॉन्स्पिरेसी केस। ओके, दहावरा शिवपुर कॉन्स्पिरेसी केस में जुड़े हुए थे दोस्तों। हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी में भी बाघा जतीन का नाम आता है दोस्तों। सिमिलरली बटू केशवर दत्त, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस 1929 में, जो सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस होता है 1929 में, बटू केशवर दत्त एंड भगत सिंह, ये दोनों के दोनों ही रिस्पॉन्सिबल थे। एक और थे दोस्तों, एक थे सुखदेव थापर, वो भी सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केसेस सुखदेव आपने सुना ही होगा, सुखदेव वो भी कौन से सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केसेस 1929 से जुड़े हुए दोस्तों। सिमिलरली अगर एक आ जाए शिवराम हरि राजगुरु, राजगुरु किससे जुड़े हुए थे दोस्तों? मर्डर ऑफ द ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जेपी सैंडर्स। जेपी सैंडर्स के बारे में, जिसकी सैंडर्स के बारे में अगर पता चलता है कि उसको इन्होंने किसने मर्डर किया था, तो शिवराम हरि राजगुरु ने किया था दोस्तों। सिमिलरली एक थे जतेंद्रनाथ दास के बारे में आपको दोस्तों ये याद रखना कि हंगर स्ट्राइक एंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में, तो जतेंद्रनाथ दास दोस्तों। सिमिलरली चेक करते हैं, भगवती चरण बोहरा किस लिए फेमस थे दोस्तों? फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब की फिलोसफी देते थे, तो भगवती चरण बोहरा। सिमिलरली मदन लाल ढींगरा किसके लिए दोस्तों? मदन लाल ढींगरा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कर्जन विलिस असैसिनेशन दोस्तों। सिमिलरली सूर्य सिंह अगर आ जाता तो सूर्य सिंह चित्तगोंग आर्मी रेड में सूर्य सिंह दोस्तों। सी अरविंदो घोष अपने जो लिखते थे उसके लिए फेमस थे, यानी कि अरविंदो फिलोसफी के लिए फेमस थे। और एक था क्या बोलते हैं वंदे मातरम, तो उसमें अपने ये लेटर लिखते थे दोस्तों, अपने चीजें लिखते थे दोस्तों। तो और एक चीज और, श्री अरविंद घोष किसके लिए फेमस है? अलीपुर बॉम्ब केस के लिए भी फेमस है। अलीपुर बॉम्ब केस अगर आ जाए तो श्री अरविंद घोष दोस्तों। रास बिहारी बोस किसके लिए फेमस है? इंडियन नेशनल आर्मी के लिए। रास बिहारी बोस, ये इनका अगर कोई पूछे इंडियन नेशनल आर्मी का वो कौन थे, क्या बोलते हैं फाउंडर कौन थे, तो मोहनलाल ढींगरा थे।
और लेकिन अगर ये पूछे कि क्या बोलते हैं मोहनलाल थे वो उनका फाउंडर है, आंसर में लेकर ये पूछे कि ब्रेन चाइल्ड किसका है दोस्तों, तो राज बिहारी बोस का ये ब्रेन चाइल्ड है इंटरनेशनल आर्मी, ओके। एंड बाद में आके सुभाष चंद्र बोस इनको लीड किए थे, ओके दोस्तों। तो आगे चेक करते हैं दोस्तों, आगे हैं एक बरिंद्र कुमार घोष, बरिंद्र कुमार घोष भी किसमें अलीपुर बॉम्ब केस में थे, सूर्य सिंह एंड बरिंद्र कुमार घोष दोनों अलीपुर बॉम्ब केसेस में, ओके दोस्तों। प्रफुल चाकी, प्रफुल चाकी भी किसके लिए दोस्तों, मुजफ्फर किंग, जो प्रफुल चाकी एंड ये अपना खुदीराम बोस वो किसमें थे, मुजफ्फरपुर किलिंग के लिए, मुजफ्फरपुर में उन्होंने किसी को मारा था तो इसके लिए ये लोग फेमस हैं। और आगे चेक करते हैं दोस्तों, सिमिलरली रानी लक्ष्मीबाई बताइए आपको अपने किंगडम झांसी किलिंग के लिए, झांसी किलिंग के लिए ये ज्यादा यू नो फेमस है रानी लक्ष्मीबाई, ओके दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं दोस्तों क्या है अपना, तो दोस्तों अपना क्वेश्चन ये है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन अ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन है आपके A1, B3, C43, D48 एंड E none of the above or more than one above। तो दोस्तों ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में अपना रैंकिंग है 58, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 D हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चेक करते हैं डिफरेंट इंडेक्सेस कौन रिलीज करता है, अपना रैंक क्या है, ओके दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रैंक, ये याद रखिएगा। तो पहला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन निकालता है दोस्तों, रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक एंड देन फिर हमारा रैंक क्या 77 है आउट ऑफ 190, ओके दोस्तों। एंड यहाँ पे मैंने आई लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये इम्प्रूव्ड हुआ है हमारा, जो हमारा अगर 2017 में चेक है तो हमारा रैंकिंग कितना था दोस्तों, रैंकिंग क्या था बता सकते हैं आप, ये था 100, उससे पहले 131, ओके दोस्तों। तो हम कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। सिमिलरली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP निकालता है, या देखिए HDI कौन निकालता है, UNDP निकालता है, अपना रैंक कितना भी 130 आउट ऑफ यू नो 130 आउट ऑफ 179। अपना जो मार्क्स मिला है मतलब एक जीरो से लेके एक के बीच में मार्क्स मिला तो हमारा भी मार्क्स है उसमें 0.64। एंड ये भी चीजें दोस्तों याद रखिए कि केरला अपने इसमें स्टेट में केरला सबसे नंबर वन पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, एंड बिहार आपका सबसे लास्ट में है दोस्तों, ओके दोस्तों। तो चेक करते हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है दोस्तों, रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड इसमें अपना रैंक कितना है दोस्तों 177 रैंक है, 177 आउट ऑफ 180 दोस्तों। सिमिलरली हैप्पीनेस इंडेक्स कौन निकालता है दोस्तों, UNSDSN यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, अपना रैंक कितना है दोस्तों 133, कितने में से दोस्तों 156 में से। सिमिलरली दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकालता है दोस्तों, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन निकालता है दोस्तों, IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अपना रैंक कितना है दोस्तों 103 आउट ऑफ 119। और यहाँ पे हमने डी लिखा है तो अपना डी का मतलब ये है कि डिक्रीज हुआ है हमारा परफॉर्मेंस, डिक्रीज हुआ है किसमें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में डिक्रीज हुआ है, हैप्पीनेस इंडेक्स में डिक्रीज हुआ है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी डिक्रीज हुआ है दोस्तों। दोस्तों और चेक करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन निकालता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, अपना रैंक कितना है 138 आउट ऑफ कितना 180, ओके दोस्तों। और फिर आगे चेक करते हैं दोस्तों ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, अपना रैंक कितना है 40 आउट ऑफ 137, इंप्रूव्ड हुआ है दोस्तों। याद रखिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अपना रैंक 40 आउट ऑफ 137। सिमिलरली दोस्तों आपको जो याद रखना है वो है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन निकालता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, अपना रैंक कितना है 42 आउट ऑफ कितना 165। सिमिलरली दोस्तों आपको याद रखना है ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन निकालता है, लंदन बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, वो कौन सा इकोनॉमिक को पीस क्या है अपना रैंक, इसमें रैंक अपना 136 आउट ऑफ 163, ओके दोस्तों। एंड देन फिर चेक करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक विच कंट्री इज द टॉप इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल रेमिटेंसेस, ग्लोबल रेमिटेंसेस में कौन 2017 की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 2017 में रेमिटेंसेस में सबसे टॉप पे कौन रहा दोस्तों, तो ऑप्शन है आपकी चाइना, फिलीपींस, इंडिया, रशिया, नॉन अब मोर देन वन अबव। तो दोस्तों नो डाउट इंडिया इज द नंबर वन रेमिटेंस यू नो रिसीविंग कंट्री, ओके दोस्तों। और उसके बाद है चाइना, ओके दोस्तों। तो ये चीजें याद रखिएगा कि अपना है इंडिया नंबर वन पे है, $68.91 बिलियन हमें मिला था 2015 में, एंड देन फिर 62.74 बिलियन डॉलर मिलता है 2016 में, ऐसे ही अपना मिलता रहता है, ओके दोस्तों। सिमिलरली मैं ऑलरेडी हाईएस्ट बता चुका हूँ अपना इंडिया हाईएस्ट है, उसके बाद दोस्तों कौन है चाइना है, उसके बाद आपका फिलीपींस है, मेक्सिको है, नाइजीरिया है, इजिप्ट है, ऐसे ही चलता रहता है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चेक करते हैं सूर्य किरण, एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है इंडिया और किसके बीच में, तो वो आपको बताना है। सूर्य किरण बहुत ईजी है दोस्तों, बताइए ऑप्शन से आपके किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, नॉन अबव मोर देन वन अबव। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है दोस्तों नेपाल, नेपाल के साथ होता है। सिमिलरली दोस्तों मैं कुछ और आपको बता देता हूँ जो 2018 में हुए हैं, जो अभी तक हो चुके हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, अगर कुछ और होंगे तो मैं इसमें अपडेट कर दूंगा दोस्तों। तो सिमिलरली चेक करते हैं कि पहला विम्बैक्स किसके बीच में है, वियतनाम और इंडिया के बीच में होता है, कहाँ पे हुआ था दोस्तों, जबलपुर में हुआ था इंडिया में।
और सिमिलरली वज्रपहाड़ किसके बीच में होता है, वज्रपहाड़ यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में होता है और इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में होता है दोस्तों। कहां पे हुआ, ज्वाइंट बेस लेविस मैकॉर्ड कहां पे, यूनाइटेड स्टेट्स में। वज्रपहाड़ इस पर कहां पे हुआ दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ दोस्तों। सिमिलरली शक्ति कहां पे किसके साथ है, फ्रांस के साथ है। कहां पे हुआ ये, फ्रांस में हुआ इस बार। सिमिलरली लामित्य किसके साथ है दोस्तों, सेचल के साथ। कहां पे हुआ, सेचल्स में हुआ इस बार। सिमिलरली दोस्तों ये खंजर किसके साथ है दोस्तों, खंजर किर्गिस्तान के साथ है दोस्तों। कहां पे हुआ इस बार, इंडिया में हुआ था। सिमिलरली हरिमाउ शक्ति कहां किसके साथ होता है दोस्तों, मलेशिया के साथ होता है दोस्तों। किसका और कहां पे हुआ है, मलेशिया में हुआ दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों एक चीज और याद देखे, सूर्य किरण किसके साथ है दोस्तों, नेपाल के साथ होता है दोस्तों। तो इस बार कहां पे होता है, इंडिया में होता है। कहां पे, पिथौरागढ़ में। सिमिलरली याद देखे, मैत्री किसके साथ है दोस्तों, थाईलैंड के साथ। कहां पे हुआ इस बार, थाईलैंड में हुआ है दोस्तों। सिमिलरली शंघाई कॉर्पोरेशन पीस मिशन हुआ था दोस्तों, कहां पे, एससीओ में। हमने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया पाकिस्तान दोनों पार्टिसिपेट किए थे। कहां पे हुआ दोस्तों, रशिया में। पहली बार इंडिया पाकिस्तान दोनों पार्टिसिपेट किए हैं दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों मिलेक्स अभी बहुत न्यूज में था, नेपाल पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया दोस्तों। कहां पे होगा, बिम्स्टेक का ये, और कहां पे हुआ, इंडिया में होगा। कहां पे, ऑन द मिलिट्री स्टेशन के पास होगा दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों आपको याद रखना, नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ होता है दोस्तों, मंगोलिया के साथ। कहां पे हुआ ये, उलन बतर में हुआ था दोस्तों। कहां पे ये, मंगोलिया में दोस्तों। प्रबल दोस्तक किसके साथ है दोस्तों, प्रबल दोस्तक कजाकिस्तान के साथ है दोस्तों। कहां पे हुआ, कजाकिस्तान में हुआ दोस्तों। आगे चेक करते हैं, युद्ध अभ्यास किसके बीच में है, यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में है दोस्तों। कहां पे हुआ ये, चौबेतिया इंडिया में हुआ है दोस्तों। युद्ध अभ्यास कहां पे हुआ, इंडिया में हुआ। सिमिलरली दोस्तों एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है मालाबार ट्राइपोटाइट एक्सरसाइज है, ये भी हुआ है। और ये कब हुआ है, जून 6 से लेकर 15 के बीच में, 2018 के बीच में। और ये भी चीज याद रखिए, किसके बीच में ये ट्राइपोड मालाबार एक्सरसाइज, इंडिया जापान और यूएस, और यूएस और ऑस्ट्रेलिया चाहता है इसमें, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया मेंबर नहीं है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं। सिमिलरली इससे एक कंसेप्ट अराइज होता है क्या, क्वाड का। क्वाड में कौन कौन है दोस्तों, बता सकते हैं आप, क्वाड में है इंडिया, यूएस, और बताइए क्या, रशिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया हाँ है, जापान यस। तो इंडिया, जापान, यूएस, ये ऑस्ट्रेलिया, ये चार है। ओके, तो इनमें से तीन जो है उसको ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके वो मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं दोस्तों। ओके, नेवल एक्सरसाइज है। और उसके बाद चेक करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, अप्रूवल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फिशरी कॉलेज एस्टैब्लिश होगा दोस्तों कहां पे। ओके, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज गिवन बाय द बिहार गवर्नमेंट फिशरी कॉलेज एस्टैब्लिश करना चाहती है दोस्तों। तो कहां पे एस्टैब्लिश करना चाहती है, तो आपके ऑप्शंस इस प्रकार से हैं, बेगूसराय में, अररिया में, किशनगंज में, कटिहार में, या नंदबा मोर देन वन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या, किशनगंज में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो आपको बस ये चीज याद रखना है कि फिशरी कॉलेज बिहार गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना चाह रही है, कहां पे एस्टैब्लिश करना चाहिए, तो किशनगंज में। ये याद रखना है कितना कॉस्ट कितना लगेगा दोस्तों, तो याद रखिए कॉस्ट कितना, 40.31 करोड़ दोस्तों। ओके, तो चेक करते हैं, एक है पैन मुंजम डिक्लेरेशन किसके बीच में साइन हुआ था दोस्तों, पैन मुंजम ये याद होगा दोस्तों आपके, आपको अगर याद है तो फटाफट आंसर दीजिए। इसके इस ऑप्शन से आपकी इस प्रकार, ऑल द ब्रिक्स नेशन के बीच में साइन हुआ था दोस्तों। अभी ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में। सिमिलरली ईयू का भी सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था बताइए कमेंट करके। क्या ये पैन मुंजम डिक्लेरेशन पे आ जाती है दोस्तों, तो पहला है क्या ये ब्रिक्स नेशन के बीच में हुआ था, दूसरा ऑप्शन है क्या ईयू मेंबर के बीच में हुआ था, तीसरा ऑप्शन है बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच हुआ था, चौथा ऑप्शन आपका बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड यूएस के बीच हुआ था, पांचवा ऑप्शन है दोस्तों नॉन दबाव मोर देन वन अबव। तो दोस्तों ये किसके बीच हुआ था, पैन मुंजम डिक्लेरेशन, पैन मुंजम नॉर्थ कोरिया में है। कहां पे हुआ होगा, क्या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में, 39 डिग्री चैनल याद होगा आपको, 38 डिग्री चैनल्स नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में है दोस्तों। सिमिलरली तो ये कहां पे हुआ था दोस्तों, ये हुआ है नॉर्थ कोरिया एंड यूएस के बीच में दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है, डी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, पैन मुंजम डिक्लेरेशन, वो भी चीजें याद रखिएगा। और ये इसमें कहां पे हुआ था, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मिले थे किसके, किंग जोंग उन के साथ। कौन है, यूनाइटेड नॉर्थ कोरिया के हेड हैं दोस्तों। ओके, तो दोस्तों ये चीजें याद रखिएगा। और कहां पे हुआ था ये भी याद रखिए, सेंटोसा आइलैंड कहां पे है, सिंगापुर में मीटिंग हुई थी दोस्तों, सेंटोसा आइलैंड सिंगापुर में मीटिंग हुई थी, तो वो भी चीज याद रखिए, सेंटोसा आइलैंड कहां पे है, सिंगापुर में है दोस्तों। सिमिलरली और दोस्तों आगे चेक करते हैं, और आगे है दोस्तों ये पैन मुंजम डिक्लेरेशन में उन्होंने ये बोला गया था कि पैन मुंजम डिक्लेरेशन से साउथ कोरिया न्यूक्लियर से फ्री हो जाएगा, मतलब कोई न्यूक्लियर चीजें वहां पे नहीं बचेगी दोस्तों। तो ये चीज याद रखना, डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द कोरियन पेनिसुला को डी न्यूक्लियराइज करना चाह रहे हैं दोस्तों। सिमिलरली तो ये चीजें याद रखिएगा दोस्तों। ओके, तो और ये चीज याद रखिए कि पैन मुंजम कहां पे है, ह्वांगे प्रोविंसेस ऑफ नॉर्थ कोरिया में है। ओके दोस्तों, चेक करते हो ऑक्सीटॉक्सिन क्या है दोस्तों, ऑक्सीटॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप बताइए क्या है, हग हार्मोन है, या ये कडल केमिकल है, या मोरल मॉलिक्यूल है दोस्तों, या द बिस हार्मोन है, या नॉन द अबव मोर देन वन अबव। तो दोस्तों बता सकते हैं कि क्या है इसका आंसर, तो इसका आंसर है दोस्तों ई, हग हार्मोन भी है दोस्तों, एंड देन ये कडल केमिकल भी है दोस्तों, मोरल मॉलिक्यूल भी है दोस्तों, द बिस हार्मोन भी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या था, इस ऑक्सीटॉक्सिन का यूज करके
जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में क्या होता था, इसका यूज करते थे, और फीमेल जो गर्ल्स होते हैं उनको ये दवाई दी जाती थी एंड उनको फिजिकली ज्यादा परिपक्व बनाने की कोशिश किया जा रहा था। और सिमिलरली इसका एनिमल में भी यूज किया जा रहा था उनको परिपक्व बनाने के लिए, उनकी फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए एंड एट द सेम टाइम मिल्क प्रोडक्शन पावर को भी बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इसका मिस यूज हो रहा था, तो इसलिए क्या किया गया, इसको बैन कर दिया गया। लेकिन दोस्तों इसके बहुत सारे एडवांटेज भी है। दोस्तों इसका एडवांटेज ये है, एक क्या बोलते हैं, जब विमेन प्रेग्नेंट होती है उसके बाद जो बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पे लेडीज की वुमेन से लेडीज की उससे बॉडी से बहुत सारे ब्लड बाहर आ जाते हैं, तो उसको रोकने में भी ऑक्सीटॉक्सिन बहुत हेल्पफुल है। और WHO ने बोला भी है कि इसका यूज करना चाहिए। ओके दोस्तों, एंड एट द सेम टाइम दोस्तों ये लेबर इंड्यूस करने में भी हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी था, तो चेक कर लेते हैं दोस्तों। और ये ऑक्सीडेशन हमारे बॉडी में भी और नेचुरली भी प्रोड्यूस होता है दोस्तों। तो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है दोस्तों, ये चीज याद रखें, ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। ब्रेन के कौन से पार्ट में, हाइपोथैलेमस पार्ट में, और कौन से ग्लैंड प्रोड्यूस करता है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कुछ और ये खासियत है बता सकते हैं, क्या खासियत है बताइए। ओके, बता दीजिएगा, नहीं पता तो मैं बता दूंगा आपको, कमेंट में बता दूंगा आपको। ओके, तो आगे चेक करते हैं। सिंपली ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ एंड ये भी बता चुका हूँ, ये ब्रेस्ट फीडिंग एंड चाइल्ड बर्थ के टाइम में यूज होता है। ओके दोस्तों, बहुत सारे ब्लड निकल जाता है, ब्लड निकलने के लिए एक हेमोफोर्स है, उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। ओके दोस्तों, एक बार इसका और ढंग से पढ़ लीजिए कि क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको सब कुछ। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट चेक करते हैं, विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 2018 कौन निकालता है। देखिए दोस्तों, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स अमृत के अंदर में है, और वो पूछ क्वेश्चन ये रहा है कि कौन सा स्टॉप टॉप किया, कौन सा स्टेट टॉप किया। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, नंदबा, मोदन मनोबा। तो दोस्तों इसको टॉप कौन किया, आंध्र प्रदेश ने टॉप किया। ओके दोस्तों, तो ये चीज याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश टॉप द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग विच वॉज रिलीज्ड बाय, कौन रिलीज करता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये भी चीज याद रखिएगा, रिलीज्ड बाय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, MOHUA। ओके दोस्तों, MOHUA निकालते हैं कौन, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, उसमें कौन टॉप किया है, आंध्र प्रदेश टॉप किया है। ओके दोस्तों, तो ये चीज याद रखिएगा, ये भी फर्स्ट एवर ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स है, ये फर्स्ट एवर ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जिसमें 111 इंडियन सिटीज को कवर किया जा रहा है। ओके दोस्तों, तो वो भी चीज आती है कि सिटी में कौन, सिटी में सबसे टॉप पे कौन है दोस्तों, पुणे है सबसे टॉप पे है, सेकंड पे कौन सा, नवी मुंबई है दोस्तों, थर्ड पे ग्रेटर मुंबई है। ओके दोस्तों, एंड देन फिर उससे पहले भी, उससे पहले की रैंकिंग नहीं जानना आपको, वो इतना चीजें जान लिया वो बहुत है। ओके दोस्तों, और ये भी चीज याद है कि जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से लिंकेज है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं दोस्तों, 17 गोल्स हैं। ओके, एंड 17 गोल्स में से 17 गोल्स इस प्रकार से दोस्तों, ये थोड़ा सा एक बार याद रखिएगा कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, देन फिर तीसरा दोस्तों गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तीसरा है चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांच में आपका जेंडर इक्वालिटी, छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एंड दिस साथ में आपका दोस्तों अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठ में दोस्तों डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौ में दोस्तों इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दस में आपको दोस्तों रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, 11 में है दोस्तों सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12 में है दोस्तों रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन दोस्तों, 13 में आपको क्लाइमेट एक्शन दोस्तों, 14 में लाइफ बिलो द वाटर, 15 में आपको लाइफ ऑन लैंड, 16 में आपको प्लेस पीस एंड जस्टिस, पीस एंड जस्टिस है दोस्तों, और 17 में क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप के लिए बोलते हैं दोस्तों। तो ये 17 गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। और देखिए दोस्तों, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी है, उसको भी ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कंफर्म करता है। ओके दोस्तों, तो ये चीज आप याद रखिएगा। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे दोस्तों ये है क्वेश्चन कि आयुष्मान भारत कब लॉन्च हुआ था। तो ऑप्शन आपकी इस प्रकार से, 12 अप्रैल 2018, 12 अप्रैल 2018, 13 अप्रैल 2018, 14 अप्रैल 2018, 15 अप्रैल 2018, लास्ट ऑप्शन आपको नन अबव मोर देन वन अबव। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बता सकते हैं आप, इसका आंसर है दोस्तों 14 अप्रैल 2018, सो आंसर विल बी सी। आयुष्मान भारत के बारे में कुछ चीजें और याद रखिएगा, वो है कि पहली बात, ये नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं जिसको कि 14 अप्रैल 2018 से चालू हुआ था दोस्तों, एंड एट द सेम टाइम दोस्तों ये चीज है कि 10 करोड़ वल्नरेबल जो फैमिली होंगे और SCCC सेंसस कास्ट के बेसिस पे ये प्रोवाइड करवाएगा। ओके दोस्तों, क्या प्रोवाइड करवाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन स्कीम प्रोवाइड करवाएगा दोस्तों, और कितना मनी, कितना दोस्तों, अप टू 5 लाख रुपए का करवाएगा पर फैमिली पर इयर्स। ओके, पर फैमिली पर इयर्स, और किस चीज के लिए दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर के लिए नहीं है दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर नहीं, प्राइमरी केयर के लिए नहीं है दोस्तों, तो कौन से के लिए है दोस्तों, सेकेंडरी एंड टर्सरी के लिए, फोकस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी के लिए नहीं है, सेकेंडरी एंड टर्सरी के लिए है दोस्तों। एंड एक चीज और ये देखिए कि ये दो तीन स्कीम को अपने में सब्स्यूम कर लिया है, मतलब अपने में ले लिया है।
जो ऑनगोइंग स्कीम थी कौन सा था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, दूसरा क्या, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इन दोनों को ये सब्स्यूम कर लिया। ओके दोस्तों, तो चेक करते हैं दोस्तों 65वां क्वेश्चन क्या है। 65वां क्वेश्चन आपको इस प्रकार से है, वर्ल्ड 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ है दोस्तों, वो कहां पे हुआ आपको ये बताना है, 11th हिंदी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो हुआ है दोस्तों कहां पे हुआ है। ऑप्शंस आपके इस प्रकार से, मॉरिशस में हुआ है, बी नेपाल में, सी चाइना में हुआ है, डी भूटान में हुआ है, या नन अदर मोर देन वन अबव। तो दोस्तों ये हम कहां पे हुआ, मॉरिशस में हुआ है। ओके दोस्तों, तो ये चीजें याद रखिएगा, अपना जो सुषमा स्वराज है वो वहां पे गई थी। ओके, तो ये चीजें याद रखिएगा। इनका थीम क्या था, तो ये कहां पे हुआ था, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, कहां पे है ये, मॉरिशस में है। ओके दोस्तों, एंड इसका थीम क्या था, हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति, इसका थीम याद रखिएगा, हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति। ओके दोस्तों, और फर्स्ट हेल्थ फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ था दोस्तों, 1975 में, कहां पे, नागपुर में हुआ था दोस्तों। ओके, तो अभी तक 11 सच ऐसे कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं, इस बार हुआ था मॉरिशस में। ओके दोस्तों, तो और चीजें चेक करते हैं नेक्स्ट। और अभी चलिए अभी याद रखिए दोस्तों कि हिंदी को एक लैंग्वेज बनाने के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन में भी प्रयास किए जा रहे हैं। ओके दोस्तों, और ये भी चीज याद रखिए कि अच्छा ये बताइए कि हमारा जो 22 लैंग्वेज है उसमें हिंदी शामिल है या नहीं है, और मैथिली है या नहीं है, और मैथिली है तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था दोस्तों। ओके, क्या ये 86 था या 96 था या क्या है, आप मुझे बताएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 इस प्रकार से आपको दोस्तों, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइड द अथॉरिटी टू द प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स इन द स्टेट, कौन से आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू नो प्रेसिडेंट को ये पावर देती है कि आप गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो कौन किसके आर्टिकल, आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से 156 आर्टिकल्स, और आर्टिकल नंबर 256, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 100, और नन अबव मोर देन वन अबव। तो दोस्तों याद देखिए इसका आंसर क्या, आर्टिकल नंबर 156। ओके दोस्तों, एंड देन ये भी चीज याद रखिएगा, कभी हाल ही फिलहाल में कुछ 6-7 यू नो वो थे गवर्नर थे, उनको नियुक्त निरूपित किया गया है। तो कौन कौन थे, लालजी टंडन कहाँ के, गवर्नर ऑफ द बिहार। सिमिलरली श्री सत्यदेव नारायण आर्य कहाँ पे, हरियाणा का। ओके दोस्तों, सिमिलरली एक थे बेबी रानी मौर्य कहाँ का, गवर्नर कहाँ, उत्तराखंड का। सिमिलरली दोस्तों श्री सत्यपाल मलिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लालजी टंडन अब कहाँ पे हो गए, गवर्नर बिहार हो गए, जो पहले कौन थे, सत्यपाल मलिक थे, लेकिन अब सत्यपाल मलिक कहाँ पे हो गए हैं बताइए दोस्तों, कहाँ पे हो गया है इसका, जम्मू एंड कश्मीर का दोस्तों। और इन्हीं के यू नो गवर्नर के काल में ही, अभी वहां पे कोई चीफ लिस्ट है नहीं, इन्होंने डिसीजन लिया कि भाई वहां पे यू नो जो पंचायती इलेक्शन चल रहे उनको होने दो, तो ये चलो उनके लिए प्रयास भी करते रहे। एंड देन फिर एक दिनेश्वर शर्मा भी याद देखे, एक क्या थे वो दिनेश्वर शर्मा को क्या थे, वो इंटरलोक्यूलेटर थे किसके लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ओके दोस्तों, तो आगे चेक करते हैं, श्री गंगा प्रसाद कहाँ पे हुए हैं, जिस ट्रांसफर एंड अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ सिक्किम को हो गए, कहाँ पे, गंगा प्रसाद सिक्किम के गवर्नर हो गए। सिमिलरली दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, श्री तथागता रॉय कहाँ पे हुए हैं अब बताइए, ये हो गए कहाँ के, मेघालय के। सिमिलरली श्री कप्तान सिंह सोलंकी कहाँ के हो गए हैं, अब ये हो गए त्रिपुरा के। ओके दोस्तों, एंड सिमिलरली गवर्नर, अब गवर्नर के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, गवर्नर के पास वही पावर होती है जो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, लेकिन कुछ पावर ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट के पास हैं लेकिन गवर्नर के पास नहीं है दोस्तों। जैसे कि मिलिट्री पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन गवर्नर के पास नहीं है दोस्तों। सिमिलरली अब वॉर को किसी और कंट्री के साथ यू नो डिक्लेयर करना है, वो प्रेसिडेंट इज लीगली कॉम्पिटेंट बट गवर्नर इज नॉट लीगली कॉम्पिटेंट टू डिक्लेयर अ वॉर विद अदर कंट्री। ओके दोस्तों, तो ये भी चीजें भी याद रखिएगा। एंड देन फिर दोस्तों एक चीज और याद देखिए, वही कंडीशन बेसिकली सेम है जो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए, जैसे कि 35% एज, और ही मस्ट यू नो क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस नहीं होना चाहिए, 35 years का एज होना चाहिए, और एट द सेम टाइम्स क्या बोलते हैं, पॉलिटिकली में एक्टिव नहीं होना चाहिए ज्यादा, पर ये रूल तो नहीं है, बट ऐसे कन्वेंशन अभी चलता आ रहा है कि पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव ना हो, या ज्यादा एक्टिव है तो ही बढ़ा देते हैं, पता नहीं क्या है, बट वैसे अभी बता दो अभी क्या कौन कौन से रूल है। ये चीज याद देखिए, आर्टिकल 156 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि प्रोवाइड करता है कि भाई अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अपॉइंटमेंट ये करते हैं, लेकिन जब वो ऑथ लेंगे तो किसके प्रेजेंस में लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग हाई कोर्ट दोस्तों, जो कॉरस्पॉन्डिंग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनके समक्ष वो क्या लेंगे, ऑथ लेंगे। ओके दोस्तों, सिमिलरली याद देखिए, अकॉर्डिंग टू द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन 1996 स्टेट्स दैट टू ऑर मोर स्टेट्स कैन हैव द सेम पर्सन एज द गवर्नर। तो दोस्तों एक ही गवर्नर दो, एक गवर्नर एक होगा, मतलब एक ही गवर्नर दो या ज्यादा स्टेट के गवर्नर हो सकता है। ओके दोस्तों, तो ये भी चीजें याद रखिएगा। तो आगे चेक करते हैं दोस्तों, कितने टर्म कितना होता है दोस्तों इनका, 5 साल का टर्म होता है। ओके दोस्तों, एंड देन फिर इम्पीचमेंट के बारे में, जैसे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में क्या मेंशन है, यस मेंशन है, लेकिन क्या इनके बारे में मेंशन है, नो दोस्तों इनके बारे में मेंशन नहीं है, गवर्नर के बारे में इम्पीचमेंट के लिए यू नो मेंशन नहीं है। एंड इम्पीचमेंट वर्ड जब कभी भी यूज किया जाता है दोस्तों, तो मेनली इट इज बीन यूज फॉर द प्रेसिडेंट। ओके दोस्तों, तो ये चीजें भी याद रखिएगा। एंड देन फिर एलिजिबिलिटी, तो गवर्नर हैज बीन मेंशन, देखो
पावर ऑफ द गवर्नर क्या है आपको मैं बता ही दूं कि पावर ऑफ द गवर्नर वही है जो कि एक प्रेसिडेंट के पास है। इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर भी होते हैं, इनके पास लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशियल पावर है। जो जुडिशियल पावर में भी जैसे कि अभी देखिए तमिलनाडु के गवर्नर जो है उनको ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप ये फैसला करिए जो राजीव गांधी के मारने वाले थे उन्होंने अपना सेंटेंस पूरा कर लिया तो क्या हम उनको अब रिहा कर देते, वो गवर्नर को छोड़ दिए हैं डिसाइड करने के लिए। ओके दोस्तों, तो वो चीजें भी आप चेक करेगा। तो ओके, अब आगे चेक करते हैं गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वेस्ट विद सर्टेन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू। ओके, तो आगे चेक करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन में ऑलरेडी बता दिया दोस्तों कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया के, 35 साल का एज होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्डर होना चाहिए। आगे चेक करते हैं अभी कैस्पियन सी का डील हुआ है दोस्तों, तो उसमें से चेक करते हैं कि कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री कौन कौन से करते हैं, क्या रशिया करते हैं, ईरान करते हैं, अजरबैजान करते हैं, इराक करते हैं, नंदबाव मोर देन अबव। तो दोस्तों ईरान नहीं करता, बाकी तीन करते हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा क्या ई नंदबाव। क्या पूछा क्या क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द स्टेट डज नॉट सेट, डज नॉट सेट दोस्तों, अच्छा ईरान भी करता दोस्तों, इराक नहीं करता दोस्तों, तो ई हो जाएगा, डी हो जाएगा आपके आंसर, डज नॉट सेट पूछा है। ओके, तो डी हो जाएगा आपका आंसर, तो इराक विल बी द राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो अभी क्या हुआ है, उन्होंने नॉन कैस्पियन, जो कैस्पियन सी को उन्होंने क्या बोला है, अगर मान लीजिए वो सी का स्टेटस दे देते तो होता ये कि उन पे जो इंटर यूएन क्लॉज का जो रूल है, यूएन क्लॉज यूनाइटेड नेशन के जो रूल्स हैं सी के ऊपर में, वो उस पे लागू हो जाता एंड उसके यू नो हाई सी आ जाते, और जब वो हाई सी का कंसेप्ट आ जाता तो हाई सी के लिए कोई भी यूटिलाइज कर सकता है। तो वो उन्होंने क्या किया कि और अगर ये लेक होता तो, अगर ये लेक बनाते तो लेक में सबको इक्वल दर्जा देना पड़ता, सब इक्वल रिसोर्सेज में ना उनमें से ले सकते। तो उन्होंने क्या किया, ना ही इसे फिलहाल में इसका स्टेटस यह है कि ना ही ये अभी लेक है और ना ही इसका ये एक सी है। ओके दोस्तों, तो ये चीजें याद रखिएगा। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से अभी जो डील में शामिल हुए थे, कौन कौन से, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। ओके, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, इराक नहीं है दोस्तों। ओके, तो वर्ल्ड्स ओके आगे चेक करते हैं। आगे दोस्तों ये है, इसमें बेसिक एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अपने आप ही बताते हैं, वैसे मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बता ही दिया है। और ये चीज याद रखिए, यहाँ पे चेक करिए, ये यहाँ पे बीच में कैस्पियन सी है आपका और यहाँ पे कजाकिस्तान, यहाँ पे रशिया आपका, इधर अजरबैजान, इधर ईरान, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे कहीं पे आपको इराक नहीं दिखाई देगा। तो कौन कौन से, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। ओके दोस्तों, तो ये चीज याद रखिएगा। एंड ये भी स्पेशल लीगल स्टेटस दिया गया अभी, दिस मीन दैट इट इज नॉट डिफाइंड एज द सी और द लेक, रशियन ऑफिशियल सेड, रशियन ऑफिशियल सेड ऑन दैट डे। ओके, तो ये चीजें भी याद रखिए। ओके दोस्तों, तो आगे चेक करते हैं, इंडिया फर्स्ट स्टेट टू बी आइडेंटिफाइड बाय द यूनाइटेड नेशन एज अ फुल्ली ऑर्गेनिक, यूनाइटेड नेशंस ने अभी एक स्टेट को फुल्ली ऑर्गेनिकली पहचाना है। बताइए दोस्तों कौन सा स्टेट है, क्या अरुणाचल प्रदेश है, क्या सिक्किम है, या केरला है, या दीव है, या नंदबाव मोर देन अबव। तो दोस्तों बता सकते हैं इसका आंसर क्या है, इसका दोस्तों आंसर है सिक्किम। ओके, सिक्किम को अवार्ड भी मिला है, गोल्ड अवार्ड मिला है, कौन दिया है, एफएओ ने दिया है, किसी के लिए, यही ऑर्गेनिक स्टेट के लिए ही दिया है दोस्तों। तो याद रखिएगा, सिक्किम हैज बिकम द इंडिया फर्स्ट स्टेट टू बी आइडेंटिफाइड बाय द यूनाइटेड नेशन एज अ फुल्ली ऑर्गेनिक एंड वाज अवार्डेड बाय द टॉप प्राइज ऑन द फ्राइड ऑन वर्ड दैट डे, व्हाटएवर द डे इट वाज, आई हैव बीन कॉपी एंड पेस्टेड फ्रॉम द यू नो अ न्यूज़पेपर। सो कोई बात नहीं, आगे चेक करते हैं। आगे दोस्तों ये है कि यू नो द स्मॉल हिमालयन स्टेट डिक्लेयर द फुल्ली ऑर्गेनिक कब, 2016 में फुल्ली ऑर्गेनिक हो गया था दोस्तों। और भी स्टेट भी इनके कगार पे हैं जो फुल्ली ऑर्गेनिक कहलाने के लायक है, जैसे कि मिजोरम, उन्होंने लेजिस्लेटिव पास कर दिया, लेजिस्लेटिव रूल पास कर दिया मिजोरम के लिए, देखते हैं अब क्या होता है। ओके दोस्तों, तो ऑर्गेनिक स्टेट में क्या होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स आपको यूज नहीं करना, लेकिन बायो फर्टिलाइजर्स आप यूज कर सकते हो। लेकिन जब जीरो, एक और कंसेप्ट आता है अभी मैं बताता हूँ आपको, एक भी चीज और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिक्किम को गोल्ड मेडल मिला कहाँ पे, एफएओ ने दिया। ओके, किस चीज के लिए, वही वर्ल्ड फर्स्ट टोटली ऑर्गेनिक स्टेट है सर, वर्ल्ड फर्स्ट टोटली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टेट को प्राप्त करने के लिए एफएओ ने इसको गोल्ड मेडल भी दिया है, किसको, सिक्किम को दोस्तों। तो आगे चेक करते हैं दोस्तों, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के जब कभी फादर के बारे में पूछे दोस्तों तो कौन है, पालेकर गुरुजी, पालेकर गुरुजी इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, एक और फार्मिंग होता है दोस्तों जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द यू नो दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, तो कैसे डिफरेंस है दोस्तों, वो चीज समझते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर आपको यूज नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम्स बायो फर्टिलाइजर्स भी वही चीजें यूज करना है जो आपको यू नो जिसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाना पड़े। ओके, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में नो इनपुट कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट विल बी जीरो। ओके दोस्तों, तो ये चीजें याद रखिएगा। एंड एट द सेम टाइम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में क्या करते हैं, काउ डंग का यूज करते हैं, बेसिकली काउ डंग का यूज करते हैं। ओके, एंड इसी में क्या करते हैं, चार इसके यू नो मेन प्रोविजन है, वो चार प्रोविजन आप अगर याद रख लें तो बहुत सही होगा, जैसे कि बीज मित्रा है, बीज को क्लीन करते हैं, देन ऐसे चार क्वेश्चन, मल्चिंग का कंसेप्ट है दोस्तों इसमें, ऐसे चार कंसेप्ट एक बार वो पढ़ लीजिएगा। और सिमिलर इसमें मल्टी क्रॉप मेथड उठा यू नो यूज करते हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, वो चीजें देख लेंगे। ओके, तो और जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग ऑलरेडी मैंने बता दिया।
और एक चीज और, आंध्र प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट, कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट इम्प्लीमेंट किया जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग? तो आंध्र प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग दोस्तों। ओके, और एक चीज और, कुछ और डिटेल हम पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बार ये पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिसने ये चीजें किया। तो दोस्तों और चीज, इसने केरला बिकम द इंडिया फर्स्ट स्टेट टू रिलीज व्हाट एक्शन ऑन टू कंटेन द एंटी मैक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी मैक्रोबियल रेजिस्टेंस पे प्लान बनाने वाले फर्स्ट स्टेट कौन बना है? केरला बना दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों हरियाणा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अनाउंस डिनाइंग द इनपुट टैक्स। अगर आप कोई फ्रॉड करोगे दोस्तों तो जीएसटी में, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ऐसा रूल किसने बनाया? पहला स्टेट हरियाणा दोस्तों। सिमिलरली याद रखिए दोस्तों, वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर कहाँ पे हुआ है दोस्तों? चाइना में। वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर दोस्तों, न्यूज एंकर कहाँ पे हुआ है दोस्तों? चाइना में। सिमिलरली दोस्तों एक चीज और देखिए, हिमाचल प्रदेश इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गेट अ रेलवे स्टेशन इनसाइड द टनल। इनसाइड द टनल से एक रेलवे स्टेशन निकलेगा, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। ये कहाँ पे है? कीलोंग रेलवे स्टेशन, याद देखिए कीलोंग रेलवे स्टेशन दोस्तों। ओके, सिमिलरली दोस्तों आगे चेक करते, हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट टू स्टैम्प द जियो टैगिंग ऑफ द अर्बन प्रॉपर्टीज। आपका जो घर वर है अर्बन में, जो प्रॉपर्टीज है उसको जियो टैगिंग करेगा, मतलब सैटेलाइट के हेल्प से भी पता चलता है कि आपका घर यहाँ पे दोस्तों। तो ये कौन है स्टेट करने वाला फर्स्ट स्टेट? तो हरियाणा है दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट टू एनहांस ऑल इट्स फॉरेंसिक लैब विद एडवांस डीएनए टेस्टिंग फैसिलिटीज। एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटी, डीएनए टेस्टिंग फैसिलिटीज के लिए कहाँ पे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। अभी बताइए यहाँ पे एक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनने वाला है दोस्तों, क्या ये गुजरात में है? ये कैन कंफर्म करिए मुझे बताइए, और मेरे हिसाब से तो गुजरात में है दोस्तों। तो चेक करते हैं आगे क्या है दोस्तों, आगे है दोस्तों ये क्या बोलते हैं, आगे चेक करते हैं दोस्तों। राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट व्हाट टू इंप्लीमेंट द बायोफ्यूल पॉलिसी। बायोफ्यूल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन है दोस्तों? राजस्थान है दोस्तों। तो सिमिलरली दोस्तों एक और है, उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द रेजोल्यूशन टू डिक्लेयर व्हाट, काउ को उन्होंने माता बनाई, ये चीजें पूरी चीज आएगी। काउ को माता बनाने के लिए बेसिकली उत्तराखंड एज पहला स्टेट आया। ओके दोस्तों, सिमिलरली एक चीज और चेक करते हैं, झारखंड महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ जो है ये बेसिकली स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था, स्वच्छ सर्वेक्षण मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड डेवलपमेंट ने निकाला था, क्या एक स्वच्छ कर सर्वेक्षण निकाला था, उसमें टॉप पे कौन है दोस्तों? झारखंड है। सेकंड पोजीशन में कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र। ऐसी छत्तीसगढ़ है, बिहार दसवीं पोजीशन पे है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा। आगे चेक करते हैं, गोवा ने क्या स्टार्ट किया है? अपनी खुद की टैक्सी सर्विस स्टार्ट कर ली है, फर्स्ट स्टेट ऑन है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये चीज आगे गोवा ने स्टार्ट किया। ओके दोस्तों, सिमिलरली दोस्तों एक और कंसेप्ट है, एक ये फर्स्ट स्टेट तेलंगाना ने, एक तेलंगाना के अंदर में एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट बनेगा जो पूरा का पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होगा। ओके दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही होगा। ओके दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही बिटकॉइन का कंसेप्ट है दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान से। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तेलंगाना के अंदर में आकर ऐसे डिस्ट्रिक्ट बनेगा। सिमिलरली दोस्तों, केरला टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऐसा फर्स्ट पब्लिक सेक्टर होटल रन हो जाएगा दोस्तों, होटल हो जाएगा जो जो पूरा का पूरा, जिसे कौन रन करेगा? वुमेन रन करेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये चीजें भी याद रखिएगा। सिमिलरली दोस्तों, महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू ऑर्डर द ब्लू कलर, अगर ब्लू कलर मार्किंग द नॉन एडिबल आइस, जो नॉन एडिबल बर्फ होते हैं, नॉन एडिबल आइस होते हैं, उस पर ऐसा कलर ब्लू कलर करने के लिए, तो कौन ऐसा पहला स्टेट बना? महाराष्ट्र बना। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों, एक आई एप क्लाउड आया, कौन? आंध्र प्रदेश से निकाला। इससे होगा क्या दोस्तों? इंडिया टू कंप्लीट ऑटोमेशन ऑफ स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को पूरा का पूरा डिजिटलाइज करने के लिए, ऑटोमेशन लाने के लिए एक आई एप क्लाउड लाया है आंध्र प्रदेश ने। ऐसा ये पहली बार हुआ कि पूरा का पूरा डिजिटलाइज करे, तो कौन सा ऐसा स्टेट है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों नेक्स्ट चेक करते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया दोस्तों? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं दोस्तों, क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो पावर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में है दोस्तों, या इंटेलिजेंस इकोनॉमिक यूनिट, या दोस्तों नन ऑफ मोर देन वन ऑफ। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैन यू टेल मी? इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग भी है दोस्तों, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भी है दोस्तों, तो दोनों ऑप्शन सही है। तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ मोर देन वन, दैट इज ई विल बी द आंसर। याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, नीति आयोग, एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट दोस्तों? क्योंकि फर्स्ट ऐसी एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स निकली है, तो ये चीज याद रखिएगा कि क्यों निकाला, नीति आयोग एंड देन बीई जो कि मिनिस्ट्री ऑफ द पावर के अंदर में है दोस्तों। ओके, तो आगे चेक करते हैं, केरला राजस्थान रिसीव द फ्रंट रनर, केरला राजस्थान यहां टॉप रनर पे है अनसिबली। ओके, अलोंग विद आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र भी है, केरला टॉप पे, याद रखिए केरला टॉप पे है मेनली। तो ये चीजें आपका था, और ये रहे आपके टॉप रनर वाले, ये टॉप रनर वाले ऐसे हैं, और ये हैं एस्पिरेंट वाले ऐसे हैं, बिहार अभी एस्पिरेंट में कैटेगरी में है, तो ये चीजें भी याद रखिएगा। ओके दोस्तों, दिल्ली, अब एक चीज और याद रखिए, दिल्ली इज द मोस्ट वल्नरेबल यूनियन टेरिटरी इन इंडियाज फर्स्ट डिजास्टर रिस्क इंडेक्स।
मोस्ट वल्नरेबल कौन है डिजास्टर में दोस्तों, तो दिल्ली है। और इसी जानिए सेंडाई फ्रेमवर्क किस पे डिपेंडेंट है दोस्तों, सेंडाई फ्रेमवर्क भी इसी पे ही है दोस्तों, किस पे, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे। ओके दोस्तों, तो ये भी चीज याद रखिएगा। एंड इट इज करंटली इन द फॉर्म ऑफ कौन निकाला, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये चीज याद रखिएगा दोस्तों। अभी जो हम किसकी बात करें, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर में दोस्तों, ओके ये चीज याद रखिएगा। अब हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे बात करेंगे, तो दिल्ली सबसे मोस्ट वल्नरेबल है, तो ये चीज याद रखिएगा कि कौन किया है, ये हुआ है हमारा होम मिनिस्टर एंड देन पी यूएनडीपी, इन दोनों ने मिलकर निकाला है कौन सा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ओके दोस्तों, तो ये चीजें था, और ये रहा आप, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बिहार 10वीं पोजीशन पे है एंड महाराष्ट्र टॉप 1 पोजीशन पे है। और अगर वो आ जाए क्या बोलते हैं, तो ये चीजें याद रखिए दोस्तों। ओके, तो चेक करते हैं आगे, कुछ आज के लिए तो कुछ और नहीं है, तो आप बस खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक आप देखते रहिए, और कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर क्या आप और चाहते हैं, मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हिस्ट्री का मॉडर्न से लेके मतलब वहां से लेके मेडिवल से लेके मैं आपको मॉडर्न का पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे दूंगा कि किसने क्या हुआ, कब हुआ था, कौन सा ईयर हुआ था, डेट क्या था, सब कुछ मैं बता दूंगा। फिर बिहार का मैं ज्योग्राफी भी लेके आ ही रहा हूँ, मेडिवल भी लेके आ ही रहा हूँ। तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए, एंड एट द सेम टाइम देखते रहिए एंड बताते रहिए कि क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओके दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों।